जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ में चैप्टर 10 का टेक्स्ट 41 शेयर करना चाहूंगा। नो देयर ऑल ऑपुलेंट ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम पर स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक संफुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली ये समझा रहे हैं कि ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी सृष्टियां हमें दिख रही हैं, जो दिख पा रही हैं, बहुत सारी वैसी हैं जो हम नहीं देख पाएंगे, बिकॉज हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारी सेंसेस की, ह्यूमन बीइंग्स की सेंसेस इम्परफेक्ट हैं और लिमिटेड हैं अपनी कैपेसिटी में। लेकिन जो भी दिख रहा है हमें और जो हम देख नहीं भी पा रहे हैं, जो भी क्रिएशन है टोटल, राइट, भगवान ये बता रहे हैं कि उनके लिए ये छोटा सा स्पार्क है, छोटी सी चिंगारी है। तो ये समझना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स कि जब हम एक्चुअली भगवान की इस ऑपुलेंस को समझ पाएंगे, तब हम विनम्र होंगे और हमारी डिवोशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। फ्रेंड्स, श्रीमद् भागवतम में समझाया गया है, जैसे ये पूरी की पूरा जो ब्रह्मांड है वो भगवान श्री कृष्ण के जो फर्स्ट एसोसिएट हैं शेषनाग, जो भगवान विष्णु के साथ होते हैं। शेषनाग के बेसिकली हजारों फन हैं, हजारों फन के ऊपर एक छोटा सा सरसों का दाना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड है इतना बड़ा, वो शेषनाग के लिए क्या है, एक फन के ऊपर एक छोटा सा सरसों का दाना। फ्रेंड्स, बेसिकली हम पूरी की पूरी क्रिएशन में इनसिग्निफिकेंट हैं, भगवान एक बहुत बड़े समुंदर हैं और हम एक समुंदर की बूंद हैं। हम सिग्निफिकेंट तब हो सकते हैं जब हम अपनी असली पहचान को जानें, ये समझें कि हम भगवान के अंश हैं और अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दें, तो हमारी जीवन भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अदरवाइज कितने लोग आए, बड़े बड़े राजा बने, अरबपति बने, चले गए, ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स ये सब कुछ। लेकिन ये नहीं ख़त्म होता, जो हमने बात आज की है, भगवान, भगवान की ये ग्लोरिफिकेशन, ये गुणगान, अगर हम इन सब चीज़ों के साथ अपनी अटैचमेंट बनाएंगे तो परमानेंट हैप्पीनेस को हम पाएंगे। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।